शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे वाह दीदी, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है, संभाल के रखे, नजर लग जाएगी। हेलो भाभी, मैं उदय हूँ, चंदन भैया मेरे वो मेरे भाई, और ये मेरी वाइफ देखा है। मैं तो भाभी से कब का मिल चुकी हूँ। और बताइए भाभी जी, आपको घर में सब अच्छा तो लग रहा है ना? लेकिन भाभी आपको मैं एक बात बता दूं, आप उस भटकती आत्मा से बच के रहना जो रात को घर में निकलती है। उदय बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? आप तो जानती हैं ना मामी कि मैं सिर्फ आप ही की वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ। आपके एक्सीडेंट की वजह से हम दोनों आप ही के पास इसलिए रुके हुए हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, नहीं तो हम कब के चले जाते। जी मामे जी, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। मम्मी, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए जाना होगा। बेटा ऐसे कैसे, कल ही तो बहू को विदा करा के लाया है ना, तो कैसे जा सकता है? जानता हूँ, लेकिन इमरजेंसी है इसलिए जाना होगा, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय। हेलो। सॉरी रश्मि जी, मैं ऑफिस में बहुत बुरा फंस गया हूँ, आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। हद हो गई, मैंने सुना है आदमी लोग सुहागरात के लिए कितना पागल रहते हैं, और एक मेरे मिस्टर है जिनको काम से ही फुर्सत नहीं है। अरे आप आ गए। छोड़े ना, कोई आ जाएगा। कोई औरत थी? नहीं भाभी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, वो उधर कोई औरत खड़ी थी। बहू, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच कह रही हूँ, उस तरफ कोई तो औरत खड़ी थी। अगर ऐसा है भाभी, तो वो औरत कहाँ गई? वो जब मैं चिल्लाई तो मुझे देख के भाग गई। मुझे पता है वो मेरा वहम नहीं था। अरे भाभी, आपको पक्का कुछ गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ, आप आराम कीजिए। चलो भाभी, कुछ नहीं है, आप टेंशन मत।
भटकती आत्मा से बच के रहना जो रात को घर में निकलती है। कमरे में तो भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत देर हो गई ना? देर तो हो गई है भाभी। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे। तो कल रात आपको ठीक लगी थी ना? बता दो। पर ये तुम्हें कैसे पता? वो मामी जी का घर देख रहा है। कहीं कल रात औरत के भेस में उदय तो नहीं था? मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूं। गुड मॉर्निंग, ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। अरे आप कब आए? सुबह 6 बजे। तुम सो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। वैसे रश्मि, कल रात के लिए आई एम सॉरी, हमारी पहली नाइट थी और मैं ही गायब था। कोई बात नहीं जी, काम भी तो जरूरी है ना। हाँ, इसीलिए मुझे फिर से ऑफिस जाना होगा। ठीक है, आप जाइए, लेकिन हाँ टाइम से आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगा। ओके, जरूर। चाय पी लेना। खुश रहो बेटा, अच्छे से नींद आई ना रात को? मैं कल रात के बाद बोल ही नहीं पा रही हूँ, बहुत डरावने सपने आ रहे थे मुझे, मैं सो ही नहीं पाई पूरी रात। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, मैं सच कह रही हूँ, कल रात में वो औरत सच में थी। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ रहा है, तू मेरी दवाई लेके आ। जी मम्मी जी, मैं बस अभी लाती हूँ। मम्मी जी। लेखा, मेरी चाय कहाँ है? बेटा उदय चाय मांग रहा, किचन से उसको चाय दे के आता। जी मम्मी जी। अरे भाभी, आप यहाँ? चाय? हाँ, उसे टेबल पे रख दीजिए। ओके। यहाँ सब कुछ कितना बिखरा हुआ पड़ा है। संभल के भाभी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। मेरे पैर में चोट लगी ये आपको कैसे पता? कल रात आप भी हॉल में ही थे क्या? क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ।
रह गए? इतनी देर हो गई है, अब तक नहीं आए, बताना भी जरूरी नहीं समझा। कॉल करके देख। कॉल भी नहीं लग रहा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? कौन है वहाँ? कौन है? रश्मि, ये हुलिया नहीं है, ये पहचान है मेरी। क्या? हाँ रश्मि, मुझे ऐसे औरतों की तरह सजना संवरना और ऐसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। आप आदमी तो है ना? हाँ रश्मि, मैं एक आदमी ही हूँ और तुम्हें पति का सुख भी दे सकता हूँ। कल की रात याद है ना तुम्हें? कैसे तुम्हें पागल कर दिया था? और ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? अगर मुझे शादी से पहले ये बात पता होती ना, तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। रश्मि, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। ठीक है, अब मम्मी जी आपको जवाब देंगी। मम्मी जी! रश्मि, शोर मत मचाओ। छोड़ो मुझे। प्लीज प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। शोर मत। मम्मी जी! तू शोर मचा रही। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, मम्मी जी, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बहू, चंदन अपने बैठने उठने के और कपड़े पहनने के तौर तरीके बदल लेगा, है ना चंदन बेटा? नहीं मम्मी, हम इस बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, मुझे ऐसे पहनावे में कुछ बुरा नजर नहीं आता। फिर मैं क्यों बदलूं अपने तौर तरीके? नहीं बेटा, तुम्हें ये अपने परिवार के लिए बलिदान देना ही पड़ेगा। हाँ भैया, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी आपके इस तौर तरीकों की वजह से बहुत लोग आपके बारे में बकवास करते हैं। पर आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? बेटा यहाँ आओ। बेटा, तुम मेरी कसम खाओ कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करोगे और ये सब छोड़ दोगे, नहीं तो बेटा तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कसम खाओ बेटा। ठीक है मम्मी, मैं आज के बाद इस तरह का पहनावा नहीं पहनूंगा। शांत हो जाओ बहू, आगे से चंदन ऐसा कोई काम नहीं करेगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अब प्यास कैसे? कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ।
चंदन भैया आपका ध्यान तो रख रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? बुरा ना मानो, वो ऑर्डर से कम नहीं है। रश्मि, मैं जानता हूं कि हमारी शादी को भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू ला दिए। I'm sorry, रश्मि। सॉरी से काम नहीं चलेगा, आप सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। रश्मि, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। अब देखना, मैं तुम्हें एक पति होने की सारी खुशियां दूंगा। हाँ, जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ के बुनियाद से शुरू हुई है, उस रिश्ते का क्या भरोसा? ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करता हूं। चलो रश्मि, आओ मेरे साथ। चलो आओ। जल्दी घर आ जाइएगा, मेरी फ्रेंड आने वाली। हाँ, श्योर। हाय रश्मि। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अंदर आओ, बैठो। नाइस हाउस। हाँ, थैंक यू। वैसे बाकी सब कहाँ है? वो मेरी सास का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरा देवर और उनकी वाइफ उन्हें हॉस्पिटल लेके गए फिजियोथेरेपी के लिए। अच्छा, और जीजू कहाँ है? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। हाय जीजू। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी। अच्छा रश्मि, आप पानी पिला दो ना प्लीज। जी, अभी लाई। अच्छा, तुम्हारी डांस क्लासेस कैसी चल रही है? वो तो थोड़ी थोड़ी चल ही रही है। एक काम करते हैं, डांस करते हैं। चाहिए ना जाके? ठीक है। और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ये जीजू ऐसे कैसे? कुछ नहीं, तुम बैठो, तो मैं अभी चाय बना के लाती हूँ।
वॉशरूम कहाँ है? स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट से लेफ्ट लेना, देन स्ट्रेट. ओके, थैंक यू. सुनिए, एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? सुधरोगे नहीं ना, जवाब दो. रश्मि, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी चलती हूँ. I'm sorry, रश्मि. आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? रश्मि, मैं काफी दिनों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आज गलती हो गई. सब गलती आपके माँ बाप की है. रश्मि, मेरे मम्मी पापा को बीच में मत लाओ. क्यों ना लाओ? परवरिश में जरूर कोई खोट है, तभी तो आप ऐसे ढीले निकले. अपनी जबान को लगाम दो रश्मि. क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? मुझे तो लगता है आपके पापा भी जरूर ऐसे ही होंगे. अभी उधर प्लीज तुम यहां से चले जाओ. अभी आप भले मुझे अपना माने ना माने, लेकिन मैं तो आपको अपना मानता हूं ना. मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत और प्यार है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाभी. और मुझसे आपका दुख देखा नहीं चाहता. उदय, छोड़ा मुझे. क्यों? देखो ये गलत है. लग तो नहीं रहा. मामी, चंदन भैया फोन नहीं उठा रहे. चंदन को 2 हफ्ते हो गए बेटा गए हुए, अभी तक वापस नहीं आया. पता नहीं कहाँ होगा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा. मामी, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, हम चंदन भैया के सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकते. मामी जी, ये सही कह रहे हैं, अगर हम कमजोर पड़ गए तो चंदन भैया कभी अपना तरीका नहीं बदलेंगे. शायद तुम दोनों सही कह रहे हो. हाँ तो आप इसी बात पे खाना खा लीजिए. नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है. ऐसे कैसे भूख नहीं है, आपने कल भी कुछ नहीं खाया और अब भी मना कर रहे हो. तो मामी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आप व्हीलचेयर से उठेंगी कैसे? देखा, मामी जी को अपने हाथों से खाना खिला. प्लीज मामी, हमारे लिए खा लो. क्या हुआ?
अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी करनी चाहिए? तू ये बात अच्छे से जानती हो ना कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा मतलब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो क्या हुआ? अरे लेखा को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर उधर मेरा क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम इतने गिर गए हो। तुझे इतनी आग लगी थी तो बाहर किसी को फंसाती? तुझे मेरा ही पति मिला था क्या मुंह काला करने के लिए? हाँ आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेखा 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 मामी मामी लेखा उठ नहीं रही। लेखा 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 तुमने मेरा इस जन्म में साथ देने का वादा किया था, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? उदय बेटा संभालो अपने आप, किस्मत के आगे बेटा किसी की नहीं चलती। चुप हो जा बेटा, मत रो। लेखा चुप करो बेटा। जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है, पर तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे लिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू। सॉरी भाई, इस मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ। हिम्मत रखो, कैसी हो माँ? कैसी होगी बेटा तेरे बिना, मैं टूट गई हूँ। वापस आ जा बेटा। वही माँ, अभी आप ऐसा कह रही हैं क्योंकि आप अभी तकलीफ में हैं, और ऐसे हालात में इंसान सच से भागता है, और सच तो यह कि मेरे अस्तित्व का दूसरा पहलू उससे आप नफरत करती हैं। इसलिए जब तक आप मेरे दूसरे पहलू को पूरी तरह से नहीं अपना लेती, मैं वापस नहीं आऊंगा। बेटा तू जो भी कहेगा जैसे भी कहेगा, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। वापस आ जा बेटा, रोको ना चंदन को। नहीं माँ, मुझे इनके दूसरे पहलू से दिक्कत है। मुझे पति के तौर पे एक आदमी चाहिए था, ना कि औरत के तौर पे ये जनना पति। सुन लिया ना माँ, मिल गया ना आपको आपका जवाब। बेटा मत जा, चंदन रुक जा, वापस आ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम्हारी बात पर अमल कर लिया जाए। कौन सी बात? शादी की बात। क्या? हाँ, मुझे लगता है हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सच? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। ठीक है, मैं कल ही अपने लॉयर से बात करती हूँ। लॉयर से बात? किस लिए? डिवोर्स के लिए चंदन से। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर फिर हम शादी कैसे करेंगे बिना डिवोर्स के? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, लेकिन अगर तुमने चंदन को डिवोर्स दिया तो मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूं
उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारी जायदाद उसकी बीवी यानी तुम्हारे नाम होगी। क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे पैसों के लिए किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। तो मरते रहो अपनी इस सड़ी सी जिंदगी में। उदय, ये गलत है। गलत है? उसने जो तुम्हारे साथ किया वो सही था? एक तो अपनी सच्चाई छुपाई, दूसरा तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, उसके लिए सजा ना बहुत कम है। ट्रस्ट मी जान, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं मैनेज करूंगा, बस हाँ कह दो प्लीज। ठीक है, प्लान क्या है? हेलो। हेलो चंदन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अचानक तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? कल आपके जाने के बाद मैंने जिंदगी के पहलू के बारे में सोचा। जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे किसी से नाराज होके पूरी जिंदगी तो नहीं काट सकते ना। फिर मैंने मम्मी जी को देखा, मम्मी जी भी बहुत दुखी है। अब बस जल्दी से घर आ जाइए, आप जो हो जैसे हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अब घर आ जाइए। सच? अगर ऐसी बात है रश्मि तो मैं फौरन घर आ रहा हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। आगे का क्या प्लान है? प्लान? मैं ये पुड़िया लेकर आया हूँ, इसमें नीम की दवा है, एक उस बुढ़िया के लिए और एक उसके बेटे के लिए। ये है प्लान। माँ कहाँ है रश्मि? मम्मी दवाई खा के सो गई है। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे? रश्मि तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। कहीं तुम जज्बाती होकर तो ये फैसला नहीं ले रही हो? मैंने कहा ना आपसे, मैं ये फैसला बिल्कुल सोच समझ कर ही ली हूँ। मैं आपको अभी साबित करके दिखा दूँ। हुआ ना मुझ पर यकीन? रश्मि, आई लव यू। मैं अभी आपका मूड बनाती हूँ।
एक मिनट रश्मि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं अभी आता हूं। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बेवकूफ बना दोगे? मैं तुम दोनों की करतूत के बारे में पहले से ही जानता था। कैसे? मैं बताती हूँ। मुझे तुम्हारी हरकतों पर बहुत पहले से शक था। जिस दिन लेखा की मौत हुई ना, उस दिन मैंने तुम्हारे और उदय के संबंध के बारे में लेखा को सब कुछ बता दिया था, और मेरे कहने पर ही वो तुम्हारे कमरे में गई थी। और एक बात, जिस दिन लेखा की मौत हुई ना, उसी दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। लाख तकलीफों के बावजूद मुझे ये व्हीलचेयर छोड़नी पड़ी ताकि मैं तुम दोनों पे नजर रख सकूं, और मैं अपने मकसद में कामयाब हुई। मैंने तुम दोनों को अपने बेटे चंदन के खिलाफ खतरनाक प्लान बनाते हुए सुना, और ये सब बात मैंने अपने बेटे चंदन को बता दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे नफरत करते करते तुम खूनी भी बन जाओगी। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। चंदन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तू मेरे बेटे को मारेगा? रश्मि, रश्मि, रश्मि प्लीज उठ जाओ, रश्मि प्लीज गए। चंदन बेटा क्या कर दिया ये तूने? क्या कर दिया? ऐसा कर बेटा, भाग जा यहाँ से, जा, चला जा यहाँ से, जा बेटा, तूने दोनों को मार दिया, जा मैं तेरे आगे हाथ जोड़, चला जा तू। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता माँ। भाग जा तू चंदन बेटा। क्या क्या कर रहा है बेटा? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं क्यों किया तुमने? सर मैं बस यही बात मेरी पत्नी को पसंद नहीं थी। लेके जा मेरे बेटे।